यूपी में योगी फिर उपयोगी। जनसंख्या के मामले में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी और योगी की जोड़ी हिट होती दिख रही है। अब तक के आए चुनावी रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। 7 चरणों की वोटिंग के बाद जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और अब तक आए रुझानों में बीजेपी ने 267 का आंकड़ा पार कर लिया है। सपा के खाते में 123 सीटें जाती दिख रही है, बसपा को 5 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही है। इन चुनावी रुझानों के साथ ही एक बार फिर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा अशोका जी से लेकर आचार्य मयंक शर्मा, देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी और आचार्य राकेश चतुर्वेदी की कही एक एक बात सच साबित हो रही है। एक तरफ जहां 6 महीने पहले ही श्री सन बेत्रा अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ना सिर्फ यूपी में योगी आएंगे बल्कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएंगे उसमें कांग्रेस सबसे पीछे होगी। उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट्स आएंगे तो कांग्रेस सबसे पीछे नजर आएगी, ये आपने एक संकेत दे दिया। अब मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ, सीटों के बारे में जानना चाहती हूँ कि इस बार आपको क्या लगता है, आपकी ज्योतिषीय गणना के आधार पर बीजेपी का रण बीजेपी में कौन जीतने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बहुमत की बनेगी जी, सिंगल पार्टी की सरकार होगी। और बीजेपी कि अगर कार्यकाल में हुई उन्नति को, हुए विकास को, और सबसे बड़ा चीज़ जो है राम मंदिर का निर्माण, उसको अगर देखा जाए तो उसमें उस राम मंदिर के साथ जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यूपी के इस कार्यकाल में कहीं पर भी आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, वो कहीं पे मुद्दा नहीं है। तो काम किया है उसमें आप गलती निकाल सकते हैं, लेकिन काम हुआ है तभी उसमें आप गलती निकालेंगे। तो इसको जो प्रबुद्ध पॉपुलेशन है, जो वोट बैंक है, जो 70% है, वो इसको संज्ञान में लेके वोट करेगा। ये जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, चाहे आपका ओबीसी है, शिवसेना है, आप पार्टी है, जो इस बार दिखेंगे यूपी के चुनावी रण में। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप पार्टी का यूपी के इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होगा। नंबर वन पे बीजेपी होगी जो 287+ सीट्स लेंगी और प्लस में ये अपना पिछला रिकॉर्ड 312 का भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अपर लिमिट नहीं बता रहा हूँ, लोअर लिमिट, मिनिमम 287 सीट्स। सेकंड नंबर पे होगी समाजवादी पार्टी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आप पार्टी आ सकती है। वही 2 महीने पहले आचार्य मयंक शर्मा ने योगी की कुंडली को देखते ही उनकी जीत की सटीक भविष्यवाणी कर डाली थी। देखिए, अगर इनकी कुंडली के हिसाब इनको केतु की दशा चल रही है और केतु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है जी। और जितने भी ये चुनाव की जो डेट डिक्लेयर हुई है 10 फरवरी की, और उसके बाद 7 चरणों में पूरा चुनाव, 7 चरणों में चुनाव होंगे, यानी कि इस समय योगी जी जो है बृहस्पति की अंतरदशा में गुजर रहे होंगे जी। और इस समय इनकी कुंभ राशि है, शनि की 7.5 भी इनके ऊपर चल रही है। दूसरा, इनकी राशि में ही बृहस्पति का भी भ्रमण गोचर में चल रहा होगा उस दौरान, ये ध्यान देने वाली बात है, दूसरा प्लस पॉइंट। तीसरा, लगन से सप्तम भाव में गोचर में बृहस्पति बैठे हैं, ये तीसरा प्लस पॉइंट है। यानी कि ये तीन ऐसे पक्ष दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो कि उनको बल दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये फिर से मुख्यमंत्री एक बार बनने जा रहे हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि अच्छी खासी सीटें इस बार भी ये जीतेंगे और जनता के बीच में अपना विश्वास जताने के लिए या दिखाने के लिए पूरी तरीके से ये समय तैयार है और जनता भी इनमें पूरा विश्वास दिखाएगी, ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। और आने वाले समय जो भविष्य बता रहा है वो इनका और भी ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि दशम भाव में शनि शुक्र की राशि में है और साथ साथ सूर्य भी है, ये इनको राजनीति में और आगे ले जाने की ओर संकेत दे रहा है और ज़्यादा उच्च पद दे रहा है। और आने वाले समय में अब आप ये देखिएगा कि इस नेता के कारण, योगी आदित्यनाथ जी के कारण, भारत की छवि जो है और मजबूत होगी देश दुनिया में,
और हो सकता है कि भारतीय संस्कृति को, कल्चर को पूरा विश्व भी फॉलो करे। मयूर जी, देखिए हमेशा से योगी आदित्यनाथ की एक हिंदूवादी छवि रही है। सांसद से मुख्यमंत्री का सफर इन्होंने तय किया, इसमें भी हमेशा से इनकी एक कट्टर हिंदूवादी छवि लोगों को देखने को मिली है। फिर भले ही देखिए एक सन्यासी पद्धति पर, मतलब सन्यासी का जीवन इन्होंने हमेशा जिया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इनकी यही हिंदूवादी छवि के कारण जिस तरह से यूपी में खासकर राम मंदिर का निर्माण होना, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, और जिस तरह से देखिए जो हिंदुत्व है, जो देश के साधु संत सन्यासी जिस तरह से इनके कार्यकाल में जो हिंदुत्व शक्तियाँ जो उभरी हैं जी। तो इनके लिए इस तरह की छवि क्या आगे भविष्य में इनको फायदा देगी या इनके लिए कहीं कोई माइनस पॉइंट इसमें दिखता है आपको? देखिए मेरा मानना यह है कि अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो इनको तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है इस छवि के वजह से। जी, अभी केतु की दशा है जो कि अभी लंबा चलेगी थोड़ा जी। और 2024 से इनको शुक्र की दशा शुरू होगी। शुक्र उनका 11वें भाव में है जो कि और भी अच्छा इनको बड़ी सफलता देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है इनका दशम भाव का कारक भी है, तो वो भी बहुत बड़ी उच्च पद की प्राप्ति देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आम तौर पर हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा पोस्ट, बड़ी पावर दे दी जाए जी। तो वो व्यक्ति सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं सोचता है, वो सभी धर्मों को लेकर बात आगे बढ़ाने की करता है या फिर सबके भले के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी ये मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ग्रह नक्षत्र जो हैं, भले ही ये कहते हैं कि भैया मैं तो हिंदू हूँ और हिंदू का कल्चर फॉलो करूँगा, मेरे को तो ये चीज़ पसंद है बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी ये धर्म के खिलाफ हैं या कुछ ऐसे जाते हैं। ये इनके ग्रह स्थिति कह रहे हैं केतु के अकॉर्डिंग कि उसके अनुसार ये कहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इनको नहीं रह सकती है। इधर आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने भी योगी और अखिलेश को लेकर यूपी चुनाव पर जो ज्योतिष गणना की वो भी सच निकली। 300 प्लस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अंक में इसको देखें बीजेपी के लिए, तो हमारी तरफ से जो अनुमान है वह 210 सीटों से लेकर 230 सीटों के आसपास में यह गणना जाती है। इसके मध्य में ही यह रहेगा। सत्ता हमारे समझ से बीजेपी की आ रही है और बीजेपी ही यहाँ सत्ता पर काबिज होगी। कविता जी, तो जो अंक का इनका चैलेंज है उस पे यह झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हमारा जो ग्रहीय कैलकुलेशन है, जो अंकीय कैलकुलेशन है, वह 210 से 230 सीटों के बीच में इस आंकड़े को रखा जाता है। अगर इसको और छोटा आप करने को मुझे कहेंगी तो मैं 215 से 222 20 का आंकड़ा मैं रखता हूं इनके लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 300 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी? नहीं छू पाएगी, किसी कीमत पे नहीं छू पाएगी। यह ग्रहीय रूप से मेरा दावा है और एक ज्योतिषी के रूप में मेरा कैलकुलेशन है, जो कि 99% मैं कहता हूं कि मेरे शब्द झूठे नहीं होंगे। यह मैं दावा करता हूं अपने ज्ञान के आधार पर। 1% मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, और मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि अपने आप को ईश्वर से ऊपर रख लूं। वह 1% ईश्वर के हाथ होता है। ईश्वर चाहे तो जो नाम, जिसका नाम भी ना हो, उसको भी एक बार राजा की गद्दी पे बिठा देता है। तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो एक्यूरेट ज्योतिष कहता है, जो अंक ज्योतिष कहता है, जो वैदिक ज्योतिष कहता है, तिथियों के अनुसार है, वह इसी अंक के आसपास ठहरने का अनुमान रहेगा। वहीं मोदी ब्रांड के सहारे फिर से यूपी में योगी आएंगे, ऐसा कहने वाले देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी भी सटीक निकली। लोकप्रियता है और उसे बीजेपी राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है, तो सत्ता वापसी की राह उसकी आसान हो सकती है। इसकी वजह यह है कि मोदी को चुनावी रुख बदलने के लिए भी जाना जाता है। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मोदी का जलवा दिखता नजर आ रहा है, और ग्रह दशाएं ऐसी बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। और